नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च, 3000 कार्यकर्ता आकलन को तैयार। देश के 100% वार्डों का होगा मुआयना। गलत निकला रूस का दावा, विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में भारतीय छात्रों को नहीं बनाया गया बंधक। यूक्रेन में फंसे भारतीयों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुतिन को युद्ध रोकने का नहीं दे सकते निर्देश। गांव में आतंकी हमला, पंच की गोली मारकर की हत्या। अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इंडियन एयरफोर्स दिखाएगी वायु शक्ति। पोखरण में 7 मार्च को होगा युद्धाभ्यास। हिमाचल में तैयार हुआ देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन, आयात नहीं प्रदेश में ही तैयार किए गए पौधे। यूक्रेन में फंसे 183 भारतीयों को लेकर बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान, केंद्रीय मंत्री ने किया स्वागत। कॉरिडोर बनाकर खारकीव से भारतीयों को निकालेगी रूसी सेना, रूस का आश्वासन। यूक्रेन के बिगड़ते हालात पर जयशंकर ने फ्रांस, एस्टोनिया और ईयू में अपने समकक्षों से की बात। मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात, खारकीव में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हुई विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कोरोना पर लैंसेट की रिपोर्ट दहशत पैदा करने के लिए एक शातिराना चाल। सरकार को तेजस्वी यादव ने बताया सर्कस, कहा सरकार में समन्वय की कमी। सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष को भी दी नसीहत। पंजाब कांग्रेस में तलखी, मनीष तिवारी ने कहा यूक्रेन में राज्य के बच्चे खतरे में, कहा है चन्नी सिद्धू और जाकर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले नाटो की विस्तारवादी नीति का नतीजा है रूस यूक्रेन युद्ध। गोरखपुर में मतदान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बोले भाजपा बनाएगी रिकॉर्ड, हम जीतेंगे 80% सीट। स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली नोटिस, सांसद बेटी और बेटे पर पुलिस पहले ही कर चुकी है कार्रवाई। कानपुर के इंजीनियरिंग प्रोफेसर की टीम ने बनाया खास रोबोट, कोरोना जैसी बीमारी में बनेगा मददगार। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा हस्तिनापुर को पर्यटन क्षेत्र बनाकर नया आयाम स्थापित करेगी सरकार। बिजनौर में फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार।
सहारनपुर में दूसरी पत्नी ने मां बेटी पर किया चाकू से हमला, कपड़े सुखाने को लेकर हुआ विवाद। नैमिषारण्य से 11 दिवसीय 84 कोसी परिक्रमा शुरू, जय श्री राम के नारों के साथ निकला रामदल। बीबीयू में ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर छिड़ी मुहिम, विद्यार्थी बोले ऑनलाइन क्लास से चाहिए आजादी, विश्वविद्यालय प्रशासन मौन। कन्नौज में सब्जी विक्रेता को लूटकर भागे कार सवार, 5 बदमाश 1.5 घंटे बाद लखनऊ में गिरफ्तार। सपा मुखिया ने गदा त्रिशूल उठाया पर काशी और अयोध्या में माथा नहीं टेका, अनुराग ठाकुर ने दिया ये बयान। हस्तिनापुर सेंचुरी में लौट रहा राज्य पशु, बढ़ रही है 12 सिंगा की संख्या। यूक्रेनी सेना ने भारतीय छात्रों पर बनाया दबाव, कहा हथियार उठाओ और यूक्रेन का साथ दो। बेरोजगार युवाओं को अच्छे पैकेज का सपना दिखाकर ठगी, ट्रेनिंग आवास के नाम पर शातिरों ने जमा कराए रुपए। अलीगढ़ में 28 मिलावटखोरों पर 5.56 लाख का जुर्माना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार पलटने से आप विधायक घायल, गोरखपुर से लौट रहे थे दिल्ली। औरैया में अनियंत्रित होकर पलटी कार, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिला की हत्या का किया खुलासा। बिजनौर में मतगणना को लेकर पुलिस सतर्क, क्षेत्रों में माफिया का क्षेत्रों में किया गया मार्च। गाजीपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, प्रधानमंत्री ने सभी वीरों को किया नमन। गोरखपुर में चुनाव के दौरान बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मतदाताओं ने लिया हिस्सा। कानपुर में जिला कारागार में हुआ प्रतियोगिता का आयोजन, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। मैनपुरी में कार की टक्कर से किसान की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में ईंट की दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा, मासूम बच्चे की हुई मौत। उन्नाव में दिखा रफ्तार का कहर, पिकअप और कार में आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत, कार सवार युवक समेत 3 लोग घायल। अयोध्या से फिर भगवा हुआ जिलाधिकारी आवास का बोर्ड, कुछ ही घंटों में बदला गया बोर्ड, मीडिया ट्रायल के बाद जिला प्रशासन ने फिर बोर्ड को किया भगवा। कुशीनगर के तमकुहिराज के पिपरा घाट में मतदान बहिष्कार, रणजीत टोला में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया, पक्का पुल की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार।
बलिया में चुनाव के दौरान दो गुटों में हुई झड़प, मतदान केंद्र पर जमकर हुआ हंगामा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो। ग्रेटर नोएडा में सिर पर पत्थर मारकर युवक की हत्या, चेहरा भी कुचला। वाराणसी में अखिलेश और ममता की जनसभा, प्रमुख दलों के दिग्गजों का भी जमावड़ा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, तोड़फोड़, कक्षाएं बंद करा दी, पुलिस ने लाठी भांजी, कई घायल। भाजपा नेता मनवीर सिंह चौहान ने बोला, पोस्टल बैलेट पर झलक रही हरदा की हताशा। मार्च को होगी मतगणना, चुनाव परिणाम को लेकर मंथन में जुटी भाजपा। दून के मनीष थापा ने बताई आपको बीती, कहा 20 किलोमीटर पैदल चला, दो दिन लगे रोमानिया में दाखिल होने में। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में दिसंबर अंत तक शुरू होगी 4G सेवा। देहरादून सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में लगी आग, सुरक्षा कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नैनीताल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, भाई ने लगाया दहेज, हत्या का आरोप। पिछले दो दिनों में उत्तराखंड के 13 छात्र यूक्रेन से लौटे, अब तक 5 की हो चुकी है घर वापसी। उत्तराखंड में शुरू होगा गुलदान दगड़ी अभियान, लोगों को सिखाया जाएगा तेंदुए के साथ जीना। बमबारी के बीच खारकीव रेलवे स्टेशन पर फंसा उत्तराखंड का अनुराग, परिजनों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। किशोरगृह से 3 बाल अपचारी फरार, खाना खाने के बाद बाथरूम जाने के लिए बनाया बहाना। अब पका पकाया भोजन नहीं, उत्तराखंड में प्रदेश में 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मिलेगा खाद्य सुरक्षा भत्ता। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से खुलेगा गंगोत्री नेशनल पार्क, पर्यटकों को मिलेगा इस बार भरपूर रोमांच। सार में पहली बार जीत के लिए नहीं, शांति के लिए लगी अर्जी, रूस यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने की साथ में पूजा। अल्मोड़ा में चिलिया नौला के नाम से जुड़े 3 नौले संरक्षण के अभाव में हुए बंद, 1920 से 1926 के बीच इन नौलों हुआ था निर्माण। अल्मोड़ा में 2 माह के वेतन को लेकर रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, वेतन जल्द न देने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों के घर लौटने का सिलसिला जारी, विदेश मंत्रालय ने कहा कई छात्रों ने छोड़ा खारकीव। अमेरिका ने भी रूसी विमानों के लिए बंद किया अपना हवाई क्षेत्र, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर एक और बड़ा प्रतिबंध।
यूक्रेन में आकाश से बरस रही आग, कोयले छीन रहे नागरिकों की जान। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दी विश्व युद्ध और महाविनाश की चेतावनी। पोलैंड के सीमा रक्षकों ने की थी 100 भारतीय छात्रों की पिटाई, यूक्रेनी बलों ने बनाया ह्यूमन शील्ड, बेलारूस का दावा। पाकिस्तान के क्वेटा में धमाका, 3 की मौत, अनेक लोग जख्मी। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, विध्वंसक तस्वीरें आई सामने। मदद के बहाने जो बाइडेन बोले, राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहे तो छोड़ सकते हैं यूक्रेन। वर्ल्ड बैंक ने किया अफगानिस्तान को $1 अरब देने का ऐलान, लेकिन तालिबान को नहीं मिलेगा पैसा। अल्जीरिया में पाकिस्तानी दूतावास के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक। रूस ने कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उड़ाया, खेरसोन पर किया कब्जा, बेलारूस में शांति वार्ता जारी। महंगाई की मार से एफएमसीजी कंपनियों का बिजनेस बिगड़ा। सेंसेक्स निफ्टी की बढ़त के साथ शुरुआत, टेक शेयर में हो रही अच्छी। प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, पीएफ खाते के रिटर्न पर इस साल से टैक्स लगाएगी सरकार। फरवरी में निर्यात 22.36% बढ़ा, व्यापार घाटा भी $21.19 अरब पर पहुंचा। व्हाट्सएप पर जल्द मिलेंगे 10 नए फीचर, ग्रुप एडमिन मेंबर के भेजे मैसेज को हटा पाएंगे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर जैसा मैसेज रिएक्शन भी मिलेगा फीचर में। यूक्रेन में जंग के बीच एप्पल ने उठाया कदम, अपने ऐप स्टोर से आरटी और स्पूतनिक एप्स भी हटाए। ने लॉन्च किया स्मार्ट फीचर वाला जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, कीमत सिर्फ 72,000 से शुरू। महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, लागत बढ़ने से चौथी बार एसी फ्रिज कूलर के बढ़ेंगे दाम, कीमत में 7 से 10% तक का इजाफा होगा। चीन ने मजबूत किया आर्थिक संबंध, यूक्रेन पर हमले से 6 दिन पहले 10 करोड़ टन कोयले की डील की। राकेश झुंझुनवाला ने एस्कॉर्ट्स के शेयर में बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी, अब झुंझुनवाला के पास है कंपनी के 75 लाख शेयर। विराट कोहली का 100वां टेस्ट देखने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष ने कैंसिल की छुट्टी, जल्द ही लंदन से होगी वापसी। बीसीसीआई ने जारी किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हार्दिक पांड्या पुजारा समेत कई खिलाड़ियों को हुआ नुकसान। अप्रैल तक होने वाले मुकाबले में 25% दर्शकों को एंट्री, महाराष्ट्र सरकार और बीसीसीआई की मीटिंग में हुआ फैसला।
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का बिजी शेड्यूल। आईपीएल के बाद 4 महीने में 4 विदेशी दौरों पर जाएगी टीम इंडिया। इसके अलावा एशिया कप भी खेलेगी टीम इंडिया। विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने कहा, टेस्ट कप्तान के तौर पर देश ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए विराट ने छोड़ी है विरासत। अश्विन की फिटनेस पर बोले बुमराह, उपकप्तान ने कहा वो चोट से उबर गए हैं, अच्छी स्थिति में है, 4 मार्च को होगा पहला टेस्ट। धमाकेदार होगा विराट कोहली के सवे टेस्ट, बधाई के लिए स्टेडियम में चल रही खास तैयारी। वर्ल्ड कप में कोरोना की सेंध मारी, स्टार महिला क्रिकेटर की कोविड-19 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जहीर खान ने बताई मुंबई इंडियंस की ताकत टीम, डेविड और हार्दिक पांड्या की तुलना पर भी बोली। पर खेल संस्थाओं ने लगाया बैन, यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस पर आईओसी, फीफा के बाद शूटिंग, एथलेटिक्स, फॉर्मूला 1, वॉलीबॉल और साइकिलिंग फेडरेशनों ने भी लगाई रोक। सोनू सूद ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद की, बोले ये मेरा सबसे मुश्किल असाइनमेंट। गदर 2 में फिर दिखेगा तारा सिंह के म्यूजिक धमाल, पहली फिल्म के 2 गाने होंगे सीक्वल में शामिल। रणवीर सिंह स्टारर जयेश भाई जोरदार, 13 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। रणवीर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर दी जानकारी। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर पोन्नियिन सेल्वन 30 सितंबर को होगी रिलीज, इस फिल्म को मणि रत्नम कर रहे हैं डायरेक्ट। रुबीना दिलैक की पहली फिल्म अर्ध का पोस्टर हुआ आउट, इस पोस्टर में रुबीना एकदम सिंपल लुक में आई नजर। अनुष्का शर्मा के भाई कर्णेश 2023 में लॉन्च करेंगे महिला केंद्रित ओटीटी प्लेटफॉर्म, इस पर फिल्में, वेब और डॉक्यूमेंट्री सीरीज दिखाई जाएगी। आर्यन के ड्रग्स रैकेट में शामिल होने के सबूत नहीं, क्रूज केस में एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, सवालों के घेरे में एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े। रोहित शेट्टी बतौर मेकर वेब सीरीज की दुनिया में रख रहे हैं कदम, अमेजॉन के लिए बना रहे हैं एक्शन थ्रिलर दी घोस्ट हूं बॉम्ब्स। पंकज कपूर की बेटी सना कपूर की हुई मयंक पहावा से शादी, शाहिद कपूर ने खास अंदाज में बहन को दिया आशीर्वाद। एक साथ रिलीज होगी शाहरुख की पठान और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम देश दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से लेकर हर तहसील तक जनता की